दरअसल मेरे हस्बैंड को वायरल हो गया है, तो मैंने सोचा कि आपके क्लिनिक भेज दूं उन्हें। पड़ोस के बच्चों ने ना मुझे पढ़ते हुए देख लिया था। मैं ज्योति के पास गया उसको सॉरी बोलने के। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें सजा दिला के रहूंगी। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पड़ोसन है ना दिव्या, वो आई है तुमसे मिलने। हाँ माँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं। ठीक है। और माँ जी क्या चल रहा है, सब बढ़िया? अरे दिव्या जी नमस्ते। अमित नमस्ते। नमस्ते। और बताइए कैसा है ना आपका? दरअसल मेरे हस्बैंड को वायरल हो गया है, तो मैंने सोचा कि आपके क्लिनिक भेज दूं उन्हें। एक काम कीजिए, उनको शाम को भेज दीजिए, मैं चेक करके दवा दे दूं। बिल्कुल सही रहेगा ये जी। वाह, अरे वाह वाह, मजा आ गया। बहुत बढ़िया चाय बनाई है तुमने। वैसे मानना पड़ेगा आप लोगों ने ज्योति को इतना ज्यादा प्यार दिया है ना, मुझे इस चाय की चुस्कियों में साफ पता चल रहा है सच में। हाँ वैसे और एक बात, मैंने सुना है ज्योति को पढ़ने का बहुत शौक है ना? अरे अगर ऐसी बात है तो आप लोगों को इसकी अच्छी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। क्या हो गया? अगर कुछ तकलीफ है तो मैं खुद मदद करूंगी आप लोगों की। अरे नहीं नहीं, कर दी ना अपनी छोटी बात। अरे आपको क्या लगता है हमें ज्योति की चिंता नहीं है? इसकी पढ़ाई में जितना खर्चा आएगा ना हम करेंगे, बस इसकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, है ना ज्योति बेटा? अरे ज्योति तुम क्यों चुप हो, तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे, क्या करना है आगे जाके? मैं तो वही करूंगी जैसा माजी और। अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। अच्छा तो हम चलते हैं। दिव्या जी भूलिएगा नहीं, शाम को भेज दीजिएगा उनको क्लिनिक। हाँ हाँ भेज देंगे, याद से ध्यान रखो अपना। ज्योति बेटा, ये हमारे पड़ोसियों को तुम्हारे हुनर के बारे में कैसे पता चला? माजी पड़ोस के बच्चों ने ना मुझे पढ़ते हुए देख लिया था। अगली बार अगर अपने हुनर का प्रदर्शन किया ना तो तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। तू नौकरानी है इस घर की और नौकरानी बन के रह, समझ गई है? और सुन जाऊं बोल। मेरी तरफ क्या देखी, क्या देखी मेरी तरफ? माँ जो बोल रही है ना ठीक बोल रही है, तू ना अपनी हद में रख ले, जाए जाओ यहाँ से, जाओ नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। Thank you.
प्रिया दीदी, अब कब आए? बस अभी अभी ऑफिस से चली आ रही हूँ। ये आंसू बंद करो और तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई। एक मिनट, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट ये लो। ये छोड़ो, इतना सोच क्या रही हो, तुम्हारे लिए लाई हूँ ये लो। और एक प्यारी सी और अच्छी सी क्यूट वाली स्माइल दे दो। और तुम्हें पता है हमित ने मुझे सब कुछ फोन पर बता दिया था। सच बताओ ना तो मुझे सुनकर ना बहुत दुख हुआ कि मम्मी जी ने तुम पर हाथ उठाया। काश उस वक्त ना मैं यहाँ होती। सच में तुम्हारे साथ ज्योति में कुछ गलत नहीं होने देती, कुछ गलत नहीं होने देती। जानती हो प्रिया दीदी, मुझे ना माजी की मार का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उससे ज्यादा बुरा लगा कि जब माजी मुझे मार रही थी ना, अमित भैया ने ना मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया उनके सामने, और उल्टा उल्टा उन्होंने मुझे ना और डांटा। मुझे अच्छा नहीं लगा। अमित ने जरूर अपनी माँ की वजह से ऐसा किया होगा। मैं अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुझे पता है ना इस घर में माजी के खिलाफ कोई नहीं जाता, इसलिए हम लोग उनके सामने कुछ नहीं कह पाते बेटा। खैर तू छोड़ अभी इन सब बातों को। अब मुझे ना एक प्यारी सी और एक अच्छी सी दे दे, क्यूट वाली, मेरी क्यूट सी जो होती है ना। चल अब मुझे ना आपको कुछ बताना था। हाँ बताओ ना। वो मैं ज्योति, अब क्या पूरा दिन यही खड़ी रहोगी? ये कपड़े धोने हैं, अच्छे से धोना। जरा सी भी मैल दिखी ना तो मार मार के तुझे मैला कर दूंगी। मम्मी जी की तो आदत है बोलने की, मैं उनसे बात करती हूँ। रोना बंद करो, ठीक है? मैं आती हूँ। प्रिया दीदी, बताना था। से नाराज हो, मैंने तुम्हें गुस्से में काफी डांटा था। जियो जो लोग से भूल जाओ, मेरे पास मुझे अपनी बाहों में छेड़ दो। अरे क्या हुआ ज्योति, इतनी घबरा क्यों रही हो? हमारे बीच प्यार का समझौता हो चुका है ना, कि तुम मुझे प्यार देती रहो और बदले में मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारी माँ को उनके खर्च और इलाज के लिए पैसे भेजता रहूंगा, और तुम्हारे सारे सपने को साकार करने का जिम्मेदारी तो मेरी है ना ज्योति। तुम मुझे प्यार देती रहो, मैं तुम्हारे हर सपने को साकार करता रहूंगा। प्लीज प्लीज ज्योति मेरे साथ हो, आप मेरे पास हो। मुझे पता है
तुम कहां से क्या करके आ रहे? क्या मतलब तुम्हारा? मैं कहां से क्या करके आ रहा हूं? क्या जानती हो तुम? यही कि तुम ज्योति को सॉरी बोलने गए थे। अपनी माँ की वजह से तुमने उसे डांटा था ना? हाँ, मैं ज्योति के पास गया उसको सॉरी बोलने के लिए। अमित, ज्योति अभी बच्ची है, हमें उसे बहुत प्यार से समझाना होगा। कुछ ऐसी गलती ना हो जाए जिससे ज्योति फ्रस्ट्रेट होके कोई गलत कदम उठा ले। इनफैक्ट तुम्हें तो उसका ध्यान रखना चाहिए, ना कि हर बार की तरह अपने माँ के चक्कर में तुम बस उसे डांटते रहो। अब ठीक है प्रिया, अब कुछ हम अपने बारे में बात कर लें। तो फिर बताइए क्या बात करना है। कुछ मैं ट्राई करूं। आई लव चाहिए, ना कि हर बार की तरह अपने माँ के चक्कर में तुम बस उसे डांटते रहो। नफरत से होगी अपने आप से। सोचा था कि पढ़ाई के साथ साथ दो पैसे कमा के माँ की मदद करूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी यहाँ भी बच्चे बच्चे होगी। एक तरफ माजी मुझे इतना अत्याचार करती है कि प्रिया दीदी मुझे कितना प्यार करती है, लेकिन मैं उनके पति के साथ मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ प्रिया दीदी को। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है? ज्योति की माँ। ए लड़की, इधर आ, तेरी माँ का फोन आ रहा है। पिछले महीने ही बात हुई थी ना तेरी फोन पर, तो तेरी माँ को कोई काम धाम नहीं है क्या? सारा दिन फोन ही घुमाती रहती।
मम्मी जी कोई जरूरी बात नहीं है, अरे बात करवा दीजिए ना। ले उठा ले। हेलो माँ। ज्योति कैसी है तू बेटा, बहुत दिनों से तूने फोन नहीं किया, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश भी हूँ यहाँ पे। क्या है ना, वो सारा दिन घर का काम करने में, ट्यूशन जाने में सिर्फ वक्त ही नहीं मिलता आपसे बात करने के लिए। अच्छा ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आप कैसे हो? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तू वहाँ काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही। अच्छा बेटा, वो कई महीनों से मुझे पैसे नहीं मिले। क्या पैसे नहीं मिले? आज के लिए बस इतना काफी है। हेलो हेलो, लगता है फोन कट गया। और सुन, एक महीने से पहले तेरी माँ का फोन आया फिर से, अभी तो पहले नंबर ब्लॉक करूंगी फिर डिलीट मार दूंगी और तुझे कूटूंगी 100 अलग। अरे अरे माँ जी, इसे कूटने की बात हो रही है? अच्छा ज्योति सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कॉलेज में बात कर ली है और बहुत जल्द तुम्हारा वहाँ एडमिशन भी हो जाएगा। क्या हुआ, खुश नहीं हो तुम? बड़ी अजीब लड़की है, बिना कुछ बोले चली गई। ऐसा है ना दिव्या जी, अगर ज्योति को पढ़ना होगा ना तो हम देख लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसका अच्छा भला सोचने के लिए है हम लोग। अरे माँ जी, आप तो खामोखा बुरा मान गई, हमारा वो मतलब था ही नहीं। जी ठीक है, कोई नहीं, हम चलते। नमस्ते। 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 पागल हो गई। अरे चाकू छोड़ो, चाकू फेंको। ये चाकू तभी नीचे जाएगा जब मैं तुम्हारा खून कर। मेरा खून करेगी तू? मेरा खून करेगी? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने झूठे वादे करके मेरे जिस्म के साथ खेला है। तुमने वादा किया था ना, वादा किया था कि हर महीने मेरी माँ को पैसे भेजोगे, कहा था ना? कॉलर छोड़ो मेरा। तुमने झूठ बोला है, तुम धोखेबाज, तुम मक्कार हो। वो कहा था मेरा, नहीं तो तुम्हारा चमड़ी मार के उधेर दूंगा। क्या कहा तुमने? बेड़े मुक्त पैसे जो हर महीने तुम्हारी माँ को भेजता रहूंगा। चल निकल यहाँ से, निकल। तुमने मुझे धोखा दिया है, ये बात मैं सबको बता दूंगी। क्या बता दोगी? क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम चुप क्यों खड़े हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, चल क्या रहा है यहाँ पे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे चाकू से हमला करने की? अमित तुझे कितना मानते हैं, कितना प्यार करते हैं, तो उनकी जान लेने जा रही थी? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, जो मेरे साथ हुआ है ना, कि अगर वैसे ही आपके साथ हुआ तो आपका भी दिमाग खराब हो जाता है। क्या मतलब? क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जब आप अपने पति की सच्चाई जान जाएंगे ना, तो जैसा मैंने उनके साथ किया ठीक वैसे आप भी उनके साथ करेंगी। कैसी सच्चाई? सच्चाई
चाकू तभी नीचे जाएगा जब मैं तुम्हारा खून कर दूं। मेरा खून करेगी तू? मेरा खून करेगी? तुमने मुझे धोखा दिया है, ये बात मैं सबको बता दूंगी। छोड़ूंगा नहीं मैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चाकू दिखा दिया, हमको मारने की कोशिश करती हो? हेलो स्वीटहार्ट। हेलो अमित। अच्छा आज रात को मेरी एक बिजनेस मीटिंग है, तो तुम खाना खा लेना, मैं थोड़ा देर से आऊँ। बाय। ओके बाय। सुनिए कि आज प्रिया डेट है। इधर जा रही है। इधर आ। क्या बोल रही थी तू? तो सबको बता देगी कि हमारे बीच में क्या चल रहा है? वो जो अगर तूने किसी को बताया या अपना मुख खुला है तो देखना उससे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जो हमारे बीच चल रहा है उसको चलने दो ना। अरे एक बात तो बताना ही पड़ेगा। अरे तुम्हें पता है जब आज प्रिया ना नाइट में बहुत लेट से घर आएगी, उसका फोन आया था तो क्यों ना हम लोग इस मौके का फायदा उठाएं। बैठो। अरे अच्छी लग रही है। कहा था ना मैंने, अब तो आपको सबूत भी मिल गया कि आपका पति क्या करता है। ज्योति तुम्हारी सच्चाई मुझे बता सकती है, वो बाहर वालों को भी बता देगी। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए डाली। सही बोल रही हो, मुझे सावधान रहना चाहिए। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। इनफैक्ट मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरा पति रोज रोज एक ही बिरयानी खाकर बोर ना हुआ करे। सही कहा तुम, एक ही बिरयानी बाबा। मेरे साथ कभी तुम्हारे साथ। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें सदा दिला के रहूंगी। मुझे सजा दिलवाएगी तो कौन खोल के सुन ले। अगर तूने किसी को कुछ भी बताया ना, तुझे और तेरी माँ मैं अपने हाथों से खत्म कर। समझ में नहीं आया? नहीं समझी? मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिला के रहूंगी। प्रिया दी, मुझे सजा दिलवाएगी? तुझे तो मैं छोड़ दिया। अब प्रिया छोड़ दो। अरे छोड़ दो, मर जाएगी प्रिया। क्या वो पागल के चक्कर में पड़ गया? इधर आ, दोनों मियां बीवी आज एक पैक लेते हैं। इधर आ, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। प्रिया जाओ। एक एक पैक लेते हैं सर। Hello, baby. Yeah. Cheers. Hey, un enito. Égale, Hans.
गाड़ी यहां से निकलने का अच्छा मौका है। सोने भी नहीं देते, फिर कुछ गिरा है ना, तेरी खैर नहीं। मम्मी जी, हम लोग बाहर जा रहे हैं, शाम तक वापिस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये लो चाबियां, दरवाजा खोलो। दरवाजा तो पहले से खुला है, ये ज्योति कहाँ गई? चाबियां भी थी, दरवाजा खुला हुआ है, ज्योति तो यहीं थी, झाड़ू पोछा कर रही थी। झाड़ू पोछा? माँ, पोछा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, कहीं भाग तो नहीं गई ज्योति? कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक काम करो, तुम अंदर देखो, मैं बाहर देखता हूं। ज्योति, 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 कहीं नहीं हो, लगता है भाग गई। माँ, वो ज्यादा दूर नहीं भागी होगी। अरे तो सोच कह रहे हो, पकड़ो उसे। चलो प्रिया, मेरे साथ चलो। जल्दी। भैया, 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 प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे मेरी माँ को कॉल कर दो, भैया प्लीज। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो माँ, माँ हम ज्योति बोल रहे हैं। क्या बात है बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, माँ यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या बात, कट गया फोन। हेलो, हेलो माँ, हेलो भैया, तू स्विच ऑफ। आपको मैडम चार्ज नहीं किया था, हो गया, सॉरी। गाड़ी में बैठ, मुझे नहीं जाना, गाड़ी में बैठ, मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं जाना। दीजिए ना, पता चल जाए। इतनी हिम्मत,
मेरी जरा सी आंख लग गई, तू यहाँ से भाग गई। जी मुझे जाने दीजिए, हिम्मत क्या गया आज। माँ आप आज इसको ऐसी सजा दीजिए कि दोबारा हिम्मत न करे इससे बाहर जाने की। हाँ मम्मी जी, आज कुछ नया ट्राई कीजिए, काफी दिनों से घर में कुछ मनोरंजन भी नहीं हुआ है ना। क्यों अमित? हाँ बेटा, आज भरपूर मनोरंजन। मुझे छोड़ दीजिए भगवान के। आवाज कैसी आ रही है? अब मामा अब बस कीजिए, आज के लिए ना इसका डोज इतना ही काफी है कि मैं इसको अपने तरीके से समझा दूंगा, ठीक है? ए चल चलो, मुझे प्रिया जी माँ जी, मैं देखती हूँ क्या हुआ। मैंने अभी किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी। हाँ दिव्या जी, हम लोग ने ज्योति को कितना प्यार दिया, हमेशा उसे अपने परिवार का सदस्य समझा, लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी। कल रात को लाखों की ज्वेलरी और कैश लेके वो भाग गई यहाँ से। मुझसे जब ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। सच में ज्योति ने चोरी की है, ऐसा है तो आप लोगों को पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए। मैं अभी कॉल करती हूं। नहीं नहीं, हमें पुलिस में कंप्लेन नहीं करनी है। अरे उस लड़की ने जो कुछ भी किया, हम पुलिस में जाके क्या फायदा। कितने महान हैं आप लोग, इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप लोग ज्योति के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। रोइए मत, क्या करें, जो हुआ सो हो गया, जाने दीजिए आप। वो ज्यादा दर्द हो रहा है ना, सब ठीक कर दूंगा मैं, हूं ना। इतना बेहमी से मारा है, समझाया था ना, देख लिया ना यहां से भागने का नतीजा क्या होता है। अब यहां से दोबारा भागने का कभी हिम्मत मत करना, ठीक है ज्योति? कहाँ भी दर्द कर रहा है ज्योति, और कहाँ दर्द कर रहा है ज्योति, यहाँ भी दर्द कर रहा है। अरे मैं डॉक्टर हूँ ना, तुम्हारा सब दर्द ठीक कर दूंगा, तुम्हारा सब दर्द ठीक कर दूंगा मैं। अच्छा ज्योति, ज्योति बेटा, ज्योति, ज्योति, अरे ओ, 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 ज्योति, काम गुस्से चली आ रही हो तुम, कौन हो तुम? मैं ज्योति की माँ हूँ, उसका फोन आया था, वो बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है? तो तुम ही उस चोर की माँ? चोर? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी चोर नहीं हो सकती, वो मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो? गलत फहमी और हम लोगों को हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी अपनी बेटी के साथ मिली हुई और इस घर में आकर के नाटक कर रही है? अरे हाँ हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है ये उसी के साथ मिली हुई है। अरे चली जाए यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाकर जेल में डलवा देंगे। चल जाए यहाँ से।
तुम्हारी बेटी मेरी लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर भाग गई है यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। सुनाई नहीं दे रहा है, निकल जाओ यहाँ से। वन मिनट अमित निकालो इसे यहाँ से। हाँ मैं निकल। देखिए कहाँ है मेरी बेटी, से मिलवा दीजिए मुझे। देखिए मैं सब बात करके क्लियर कर देती हूँ। निकलिए यहाँ से। इसके पहले कि मैं आपको धक्का देकर निकालूं, आप शराफत के साथ यहाँ से चले जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ के अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। चलिए आप चलिए यहाँ से, चलिए उसे बुलाइए, मैं मिलना चाहती हूँ। निकलिए यहाँ से, वो चोर नहीं है मेरी। और हाँ, दोबारा मत दिखेगा यहाँ पे, समझे आप। मेरी बेटी को बुलाइए, मिलवाइए मुझे। ये कहाँ से आ गई यहाँ पे, आप क्या करेंगे? कुछ करना पड़ेगा। दिखाई नहीं दे रही मेरी बच्ची। हाँ गुप्ता जी, ठीक है ना? पहले मैं आपका एक्सरे करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि क्या हुआ है। ठीक 10 बजे आ जाएगा, कल दो ऑपरेशन है। अगर आप टाइम पे नहीं आइएगा ना तो इलाज भी लेट हो जाएगा। चलिए मैं सोने जा रहा हूँ अब, गुड नाइट। ज्योति, ये तो मेरी बच्ची ज्योति की आवाज है। हाँ ज्योति मेरी बच्ची। क्या हाल कर दिया इन दरिंदों ने मेरी बच्ची को। माँ ये लोग ना, ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मुझे सजा मुझे यहाँ से ले चलो माँ, मुझे यहाँ रहना। चल वाह क्या बात है, तू भी अपनी बेटी की तरह बहुत बड़ी ढीठ निकली। मेरे मना करने के बाद भी तू यहाँ वापस आ गई। तुम लोगों ने जो मेरी बच्ची के साथ पाप किया है ना, उसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। तुम लोग इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। जब गिदड़ की मौत आती है ना, वो शहर की तरफ भागता है। लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी हुई थी, इसीलिए तुम यहाँ पे आई हो। हेलो हेलो पुलिस। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो माँ, ये लोग बहुत खराब है, मुझे यहाँ से ले चलो। तू अपनी बेटी को बचाना है ना, पहले मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद तुम्हारी बेटी को। नहीं रुक जाए, चुपचाप चाकू नीचे करो। बोला ज्योति,
तुम लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, बिना डरे सब कुछ इंस्पेक्टर साहब को दिखा। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, बस इतना ही नहीं, इन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा तक उठाया। मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दीजिए भगवान के। झूठ बोल रही है। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये एक नंबर की झूठी मक्कार है, ये अपनी माँ के साथ मिलकर हमको फंसा रही है। हम लोग बहुत शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, इन लोगों की तो आदत है हम जैसे लोगों पे कीचड़ उछालकर पैसा ऐंठने की। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए। ज्योति की हालत देखकर हमें पता चल गया है कि आप लोग कितनी इज्जतदार और शरीफ हैं। मेरी बात सुनिए, इस लड़की का ना चाल चलन ठीक नहीं जी, ये आप लोगों को गुमराह कर रही है। मैं सच कह रहा हूँ। क्या कहो, क्या कहो? मेरा चाल चलन ठीक नहीं, मैं मुझे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे चरित्र के साथ खेलते खेलते मेरी चरित्र पे ही उंगली उठा रहे हो। अरे तुम लोगों से अच्छे तो ना वो बाजारू औरतें कम से कम पैसों के लिए अपने शरीर को बेचती है, ईमान नहीं बेचती, लेकिन तुम सब ने तो बस सब कुछ बेच डाला। शर्म आती है मुझे तुम लोगों पर। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। हवलदार, तीनों को अरेस्ट करके ले चलो। माँ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ बेटी।